के 3 कप चाय पीने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे साथ वाले प्री बोर्ड देने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं यहाँ पर दुकान पर सब्जी कटा खांड पेंसर तो चलिए निकाल रहे हैं, और मतलब 3-4 काम हो रहे हैं, और उनको लगता है मैं घर पर पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर डर रहा हूँ पेपरों के डर से। उनको लगता है मैं लास्ट वाले पेपर में आके फोड़ूंगा, लेकिन घर वाले मेरे को फोड़ेंगे अगर रिजल्ट गंदा आया तो। मेरे कोचिंग वाले सर ने कहा था 10 दिन पहले कहा था कि अगर मान ली 15 घंटे मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास होऊंगा। तो अब वो 10 दिन चले गए हैं, 10 दिन रह गए हैं। अगर मैं दिन में 30 घंटे पढ़ूँ तो मैं जाकर पास होऊंगा। तो मतलब 24 घंटे अगर मैं बिना खाए पिए नहाए पढ़ा तो भी मैं आधा फेल तो हो ही जाऊँगा, और आधा फेल पूरा फेल उसमें कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए 10 दिन भी हंस खेल कर निकाल देते हैं। 1 अप्रैल को लास्ट पेपर है और रिजल्ट आने में 3 महीने लगेंगे। तो तब तक अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो घर वाले रिजल्ट को भूल जाएंगे। जब तक मैं सैड हुआ जोश पीण आ जा अण पिएगा तो मेरे 2-3 खड़े आई है। तो गाइज यार कोचिंग की छुट्टी होगी और इसने स्टिंग नहीं थी, ये आधी आधी करके पी लिए, फ्रूटी पाई फ्रूटी जेब में है। और यार अब स्कूल जाते नहीं, कोचिंग जाते हैं। कोचिंग वाले सर जी रोज नए नए चैलेंज रख रहे हैं। तू पास हो गया तेरी गुलामी करूँगा, तू पास हो गया तो क्या कहा था ये बोलूँगा, बस ऐसे ही यार। तो भाई 11वीं में बिल्कुल पढ़े नहीं, पता नहीं किसने कह दिया फन करो एंजॉय करो, 12वीं में पढ़ लेना क्या है। कभी क्लास में बढ़कर नहीं देखा, अटेंडेंस स्कूल वाले लगा देते थे, क्या पता एब्सेंट लगाई थी। तो वो सारा हो गया सिस्टम। अब हमें कहते हैं कि तुम्हारा बेस नहीं क्लियर। कोई बात तो जैसे ये कहिए तो पिछले साल पढ़ा था तुमने। तो हमारे यार सिस्टम क्या होता है कॉमर्स में, क्या है ना भाई, डब्बे बनाने आने चाहिए, बही खाते बनते हैं यार, अकाउंट बुक वो रेजर फोलियो और वगैरह वो बनाना, वो बनाएंगे उसके बाद उसके अंदर क्या है एंट्रियां फिल की जाएगी, उसके बाद उसके अंदर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अगर आर्ट्स में होते और होते कोई कहानी लिखे आते कोई कुछ लिखे आते, और भाई जब तक वो डब्बा नहीं बनेगा तब तक उसमें पर्सन नहीं आया जाएगा। और अगर डब्बे बिना पर्सन कर दिया भाई वो सीधा काटा मारता है यार। सारा दिन पढ़ाई भाई, हमें कहते पढ़ाई के लिए पैसे काट रहे हो, 6,000 काट रहे हो, 10,000 काट रहे हो पढ़ाई के लिए। अब भाई पहले तो मेरे को उसका दुख होता है भाई, हाँ यार बात तो सही है, घर वाले कहाँ से ले इतने पैसे, पहले स्कूलों में पढ़ाए फीस भरे फिर कोचिंग लगाए पास करने लिए, और भाई उन पैसों को हक लेना है अगर, उनका हक कैसे लिया जाएगा। अपने 24 के 24 घंटे एक बंद कमरे में निकाल दो, उसमें पढ़े जाओ है, और फिर अच्छे नंबर ले आओ, और 10 दिन लोग याद रखेंगे हाँ भाई फलाने के छोरे ने इतने नंबर ले आए हैं, और नौकरी भाई नहीं मिलने वाली नौकरी के लिए पैसे चाहिए भाई, पैसे होने चाहिए फिर नौकरी लगेगा बंदा। तो उसके लिए कोचिंग वगैरह, अब कोई कहेगा क्या पढ़ने वाले लग जाते हैं घर पर, लग जाते हैं भाई लग जाते हैं, हम नहीं लगेंगे, मेरे को खुद पर भरोसा है भाई, बिल्कुल नहीं लग सकता यार मैं वो। तो यार बस 12वीं बाद ब्लॉगिंग चालू कर देते हैं, जोरब सोसी यूस, एक लाऊंगा कुत्ता उसका नाम रखूंगा पार्ले जी, हाँ पार्ले जी, ये कबूतर उड़ रही है। एक मिनट ये गिल्ले का ब्लॉग भी चल रहा है, गिल्ले साथ में गिल्ले के यार आज वैसे तो 2-3 खुशी है। ओए मेरी वीडियो पे ऐड आने लगी गाइस, मेरी वीडियो पे ऐड होने लगी, हाँ मेरी वीडियो पे अब ऐड आने लगी, इस बात की भी खुशी है थोड़ी सी, और मेरा करियर है इसमें ही बनेगा, ना मना ना भाई। तो इससे यहाँ पे नौकरी करने से अच्छा भाई विदेश जाके ना बर्तन धो लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे, पंप पे लग जाएंगे, हाँ पंप पे लग जाएंगे, मस्टैंग ले लेंगे, डोज ले लेंगे, बढ़िया गेड़ियाँ मारेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे पार्टी करेंगे, वो कर लेंगे, उतना मुश्किल काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रहकर सरकारी नौकरी नहीं होगी भाई, और ना कोई हमें देने वाला सरकारी नौकरी, ऐसे टोने करके भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलती यार। पुल पे खड़े हैं तो एक है नहीं ओए खा जाएगा तेरा बाप, माड़े शौकों के कारण गिल्ले को आत्महत्या करनी पड़ी। शौक नहीं, ये कह रहा है कि तेरे व्यू नहीं आ रहे तो छाड़ मार जा, और उसकी वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर ये चढ़ा देगा तो मेरे को वायरल कर रहा है। तो भाई वो नहीं तो पटड़ी पे चढ़ गया, और वो इंगड़ा फेर आ गया भाई, फेर आ गया तो भाई डगर तो लग गया। लेकिन अब भाई बस यही था यार मेरा आज का रूटीन, और ज़्यादा नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइब कर दे यार, घर वालों की मार खाने से बच जाऊँगा। और भाई अपना अपना इंटरेस्ट होता है, आने वाले टाइम में सरकारी का इतना क्रेज रहेगा नहीं, प्राइवेट बच जाएगा तो पढ़ता रहे यार, कहीं तो अच्छी जगह लग ही जाएगा। मेरा बस इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा सा, लेकिन मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मेरा पढ़ता हूँ पास तो हो जाऊँगा मैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है मेरे।
लेकिन मेरा है नहीं, मेरे पीछे मत ले जाना यार कोई ऐसी, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो।